दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल हमसे सीखो में। लॉकडाउन क्या है आखिर, क्या है इसके मायने, क्या बंद होगा क्या खुला रहेगा, जाने हर सवाल का जवाब। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन की नौबत आ गई। राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब को 31 मार्च तक लॉकडाउन हो गए हैं। कई शहर समेत देश के 75 जिले इस समय लॉकडाउन हो चुके हैं। अब तक आपने हड़ताल के बारे में सुना होगा, कर्फ्यू के बारे में सुना होगा, मगर मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये लॉकडाउन क्या है, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा। ऐसे कई सवालों के जवाब यहाँ जाने। आखिर क्या है लॉकडाउन? लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल पश्चिमी देश कई बार आपात स्थिति में कर चुके हैं। भारत के लोगों को घरों में रहने के लिए कर्फ्यू या धारा 144 जैसे कानून का सहारा लेते हैं, मगर लॉकडाउन का इस्तेमाल भारत में पहली बार हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी या आपात स्थिति में ही आप घर से निकलने की अनुमति रहेगी। इस दौरान सभी बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद रहेंगे, हालांकि जरूरी सेवाएं बहाल रहेंगी। क्या पहले भी हुआ है लॉकडाउन? अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमले के बाद 3 दिन के लिए पहली बार लॉकडाउन किया था। इसके बाद 2003 में बोस्टन और 2015 में पेरिस के बाद ब्रुसेल्स लॉकडाउन किया गया था। क्या क्या सेवाएं बंद रहेंगी? किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा को अनुमति नहीं होगी। इससे निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सब बंद रहेंगे। दिल्ली में DTC की 25% बसें चलती रहेंगी। सभी दुकानें, बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोदाम, साप्ताहिक बाजार ये सब बंद रहेंगे। इंटरेस्ट बसें, ट्रेन, मेट्रो सेवाएं निलंबित रहेंगी। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी। किसी तरह का निर्माण कार्य फिलहाल बंद रहेगा। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। क्या क्या खुला रहेगा? दूध, सब्जी, दवा की दुकानें लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगे। अस्पताल और क्लिनिक भी इस दौरान खुले रहेंगे। इसके अलावा राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी। किसी बेहद ज़रूरी काम के लिए शासन की ओर से छूट मिल सकती है। बैंकों को कैश के कुछ सुविधाएँ जारी रहेंगी। टेलीकॉम, इंटरनेट और डाक सेवाएं जारी रहेंगी। किन किन लोगों को मिलेगी छूट? पुलिस का काम जारी रहेगा, साथ ही कानून व्यवस्था को लागू करने वाले विभाग भी काम करेंगे। स्वास्थ्य कर्मी और अग्नि मंत्र विभाग के कर्मचारियों का काम भी जारी रहेगा। जेल विभाग और बिजली पानी के दफ्तरों में भी काम जारी रहेगा। नगर निगम के साफ सफाई और कूड़ा उठाने वाले जैसे काम भी चलते रहेंगे। इसके अलावा जेल विभाग के काम भी चलते रहेंगे। मीडिया कर्मी को भी इस दौरान छूट मिलेगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लॉकडाउन क्या है और ये सरकार को इसका फैसला क्यों लेना पड़ा, आप ये समझ चुके होंगे। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।